सो गाइस अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बारिश रुक चुकी है, तो सोचा क्यों ना क्रिकेट खेल लिया जाए। तो मैडम बैट लेके तैयार है। चौका कैसे पर लगेगा? क्या बोला तूने? टप्पा आगे जाते तो उसको चौका बोलते हैं। ओके गाइस, आपको पत्ते दिखा रहा हूँ बस, कोई मत देखो। आपको नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। हाँ, खत्म करेगा। तूने बोला तू ही भुगत। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तरुण के ब्लॉग चैनल। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण के ब्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। सो गाइस, अभी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज आगे पीछे की हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों इसमें मेरी आवाज नहीं आ पाई, तो यहाँ पे मैं डबिंग कर रहा हूँ पूरी। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं फुल डे ब्लॉग। ये मेरा एक ट्राई है कि मैं फुल डे ब्लॉग कर पाता हूँ या नहीं, या फिर कैसा जाएगा। तो इस चीज में मुझे आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग का सपोर्ट मुझे भरपूर दीजिएगा इस वीडियो में। और गाइस, अगर हमारी फुल डे ब्लॉगिंग अगर आपके सपोर्ट से अगर अच्छी रही, तो आगे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एक मैं करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। सो अभी चेरिश तो यहाँ पे अपना गेमिंग वीडियो एडिट कर रहा है, और मैडम यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैडम तकिया सिल रही है। तो चलिए आज देखते हैं, मैडम ने एक मेरे नाम का टी शर्ट पहन रखा है, तो वो क्यों पहन रखा है, चलिए आइए पूछते हैं उन्हीं से। ये देखिए, ये हमारा फोटो है, हम हैं इनका हस्बैंडवा, तो हमारा फोटो इन्होंने अपनी टी शर्ट पे लगा रखा है। और ये क्यों लगा रखा है? ये टी शर्ट इसलिए पहन रखी है कि पति को खुश करने के लिए। कोई भी नहीं करता ऐसा, मैं ही कर रही हूँ सिर्फ। सो गाइस, इस टी शर्ट को पहनने का और इस टी शर्ट को बनवाने का रीजन ये था कि DID सुपर मॉम्स जब आया था, तब मैम का सिलेक्शन हो गया था उसमें, और मैम बहुत आगे लेवल, मतलब टीवी राउंड तक मैम चले गए थे। सो उस टाइम पे एक एक्ट हमने तैयार किया था, और उस एक्ट के टाइम पे मैम ने टी शर्ट पहनी थी, कुछ उसमें परफॉर्मेंस था, उसके लिए टी शर्ट बनवाई थी। जैसे हमको तो पता ही नहीं, बनवाई हमने और हमें को नहीं पता। पहन तो मैं रही हूँ ना, लेके पहन कौन रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बनवा दी तो क्या हो गया, पहन तो मैं ही रही हूँ ना, मतलब मुझे तुम पसंद हो इसीलिए तुम्हारी टी शर्ट अभी तक। अरे बस क्या पगली रुलाओगी क्या। चेरिश हो, मेरा बनाना शेक कब से रेडी है लेकिन अभी तक पिया नहीं है। तो चेरिश यहाँ ये फाइल रेंडर हो रही है, हो चुकी है। सो गाइस, जो वीडियो भी आपने देखा जो रेंडर हो रहा था, वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और उस वीडियो पे गिव अवे हमने किया है। सो अभी भी वो चल रहा है, सो आप जल्दी से उस गिव अवे पार्टिसिपेट कर लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्या है उस गिव अवे में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस वीडियो को जल्दी जाके देखो, और उस गिव अवे को आप भी जीत सकते हैं बहुत इजीली। चेरिश अभी जल चढ़ा रहा है यहाँ पे। सो मैडम देख रही है वीडियो हमारा, और इन्हें भी गिव अवे चाहिए लगता है, इसलिए बड़े ध्यान से देख रही है। मैं कमेंट करने वाली हूं, मुझे चाहिए सच में। जीतोगे तो ही मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलता है। और ये भाई साहब एक और खुद ही बनाता है, खुद ही एडिट करता है, लेकिन वो डलता कहीं पे भी नहीं। सो बादल करज रहे हैं गाइस, लगता है बारिश आने वाली है। सो गाइस, आज धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है, और ऐसा कहते हैं कि धूप भी निकलना और बारिश भी होना तब होता है जब मेंढकों की शादी होती है। हम जब छोटे थे हमने ये सुना था, आपकी क्या कहानी है, मैडम की कहानी सुनते हैं। चिड़िया की शादी होती है ऐसे धूप में जब बारिश होती है, तो धूप में जब बारिश होती है तो कहते चिड़िया की शादी होती है, ऐसे बचपन में बहुत कहावतें हमने सुनी थी। आपके यहाँ पे क्या कहावत थी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस, बहुत ही तेज बारिश आ गई यहाँ पे, अब बिल्कुल विजिबल हो रही होगी बारिश। सफाई अभियान करता है मैडम, जब भी बारिश आती है इनका वाइपर पहले चल जाता है। मेरी तुलसी और मेरा केले का पेड़ अच्छा चल जाएगा, देखना जब भी बारिश आती है ना गरज रहती है। सो गाइस, अभी यहाँ पे उनो खेलने का चैलेंज चल रहा है, यहाँ पे मैडम पत्ते बांट रही है और मुझे भी कह रहे हैं, तो चलिए उनो खेलते हैं, थोड़ा सा घर में टाइम पास कर लेते हैं क्योंकि लाइट्स फिलहाल है नहीं। जैसे कि बारिश आ रही थी बाहर, तो लाइट चली गई है। चेरिश के मैंने दो चांस स्किप कर दिए, ये देख रहा हूँ मेरा फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो मैडम जीत चुकी है, ज्यादा खुश हो रही है, और यहाँ पे अभी गेम चल ही रहा है। गाइस आपको पत्ते दिखा रहा हूँ बस, कोई मत देखो। आपको नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जीत गए। सो सेकंड में जीत चुका हूँ, उनो मैंने कर दिया है। कोई विक्स नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सो गाइस, फाइनली बारिश रुक चुकी है काफी देर बारिश होने के बाद में, और लेकिन अभी तक लाइट कहते पता नहीं लाइट नहीं आई है। और सनी भी यहाँ पे पीछे रेडी हो चुका है, अभी तक सुबह से दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि आज सनी का वर्कशॉप है सनी की, तो सनी वर्कशॉप के लिए बिजी है थोड़ा सा, तो वर्कशॉप के लिए लेने के लिए निकल रहा है सनी। मास्क वास्क पहन के नजर दिख नहीं रहे, ये देखो जिनको वर्कशॉप से लेना देना नहीं, पहले आ गया है डांस क्लास पे उसके वर्कशॉप के लिए सुबह है। और एक सेकंड, ठीक है जी। ओ बापरे गाइज, ये कल गाड़ी मेरी थोड़ी सी टच हुई थी, और ये अभी
ये साला टूट गया, मैंने अभी ध्यान दिया यार कि ये भी टूट गया। मुझे ये तो मालूम चल गया था, ये टूट गया का मुझे अंदाजा नहीं था। बाप रे बाप। चलते चलते अचानक गाड़ी दीवार से टच हो गई। खैर ज्यादा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट फिर भी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पेड़ था एक गार्डन में जो टेढ़ा हो गया था, तो मैडम ने बोला कि इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं मैं। सो इसको ऑपरेशन कर दिया है वहां से, मैडम ने उसको वहां से बांध दिया है। सो उससे अब ये सीधा ही रहेगा पेड़, क्योंकि झुक गया था काफी ज्यादा हवा से। सक्सेस। सो गाइस अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बारिश रुक चुकी है, तो सोचा क्यों ना क्रिकेट खेल लिया जाए। सो मैडम बैट लेके तैयार है, चेरिश भी यहाँ पे तैयार है, लेकिन वो पोछा लगा रहा है क्योंकि थोड़ी सी दीवार छत गीली है। और यहाँ पे श्लोक जो चेरिश के चाचू भी है वो भी रेडी है। मौसम कितना शानदार हो रहा है। मैं जब असली क्रिकेट खेलता हूँ ना, मैं सॉफ्ट बॉल में तो मैं अच्छा खेल पाता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट बॉल का हुआ क्या है, वो खेत में है। वो यहाँ चली गई, खेत में चली गई, पर बॉल चली गई वहाँ पे खेत में। बहुत सारी बॉल अपने पास हार्ड है, पर ये ज्यादा हार्ड नहीं है, पूरी टप्पा भी नहीं खाती ये वाली। चौका कैसे बन लगेगा, क्या बोला तूने? टप्पा आगे जाते तो उसको चौका बोलते हैं। चेरिश की बैटिंग ज्यादा खेल नहीं पाएगा। ये मेरे टाइम पे हमेशा बाबा की बॉलिंग क्यों आती है, समझ ही नहीं आता। ये बैट ही नहीं पकड़ पा रहा है। आठ रन बना ली चेरिश ने यार, मजाक मजाक में। सो गाइस पीछे खेत है, यहाँ पे अलग अलग तरह की खेती होती है। वैसे आपने खेती जो देखी होगी वो देखी होगी गेहूं की, मिर्ची की, लहसुन की, लेकिन हमारे यहाँ पे एक यूनिक खेती होती है, और वो खेती होती है चड्डी की। ये देखिए चड्डी यहाँ पे फेंक रखी है चेरिश की। तो यहाँ पे चड्डी एक फेंकी ताकि दूसरी और चड्डियाँ उग जाए। यहाँ पे जितना भी पूरा खेत सब जगह चड्डियाँ चड्डियाँ होंगी, फिर हम एक चड्डियों का शोरूम खोलेंगे। क्यों बेटू, इसलिए फेंका ना आपने पीछे? चड्डियाँ खत्म हो गई मेरे पास, फिर खत्म हो जाएगी, ला देंगे तोड़ के। वो बुआई करते ये बुआई की बारिश से पहले बुआई करते छटाई। सो गाइस अभी यहाँ पे चेरिश ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसके चाचू वहाँ सिखा रहे हैं। सनी यहाँ पे डांस क्लास ले रहा है और चेरिश सीख रहा है यहाँ पे। ये देखो एक्स्ट्रा लोग भी, मतलब सर तो चेरिश की क्लास अब नीचे चल रही है, ऊपर ठंड लग रही थी काफी। सो यहाँ पे अभी गरम गरम पकोड़े बने हैं चेरिश की फरमाइश पे, बारिश और पकोड़े का आनंद लेते हुए चेरिश पूरी। आप समझ रहे हो ये मीठे वाले नहीं है, पर ये मीठे वाले पकोड़े होते हैं, मुझे वही पसंद है। कौन फरमाइश बनाए यहाँ पे मधु मैडम ने? मैं अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं अपने घर बैठा। सो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30 और सनी आ चुका है वर्कशॉप लेके, थोड़ा मंदिर वंदिर भी जाके आया है। सो सनी कैसा रहा आज का वर्कशॉप? वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा, सबने काफी अच्छा सीखा, काफी अच्छा रिस्पांस आया, सबने बोला दैट दे एंजॉयड इट। चलिए होपफुली आज का फर्स्ट डे वर्कशॉप का काफी अच्छा रहा। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो होपफुली आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। आज का वीडियो एंजॉय किया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस तरह बहुत अलॉन्ग विद क्या गुंडा बनेगा रे तू? चलिए इसने तो अपनी कहानी पूरी कर दी, तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।